ईवीएम का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको बता दिया सरकार जनता नहीं चुनती, सरकार ईवीएम चुनती है। चुनाव आयोग तो सर कहता कि फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव होता है ईवीएम से, फिर चुनाव आयोग हटा क्यों नहीं देता? लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है जनता की आवाज, जनता जो चाहेगी वो होगी, जनता चाह रही है कि नहीं होना चाहिए ईवीएम से चुनाव। सर पूरी जनता कहाँ करे सर, देश की चंद लोग, 40 करोड़ का देश है सर, ये 97 करोड़ मतदाता है, कितने मतदाता होंगे यहाँ पे जो आए आज? हाँ तो आज यहाँ गिन लो और बाहर फिर उनका इंटरव्यू कर लेना, जिनका जो कहते हो ईवीएम से कराओ, कहाँ है कितनों का इंटरव्यू, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, चंडीगढ़ मेयर चुनाव हुआ था बैलेट पेपर से, गड़बड़ कर दी ना, देखो वहाँ पर इस तरह गड़बड़ होती है बैलेट पेपर से। तो फिर गड़बड़ बैलेट पेपर से गड़बड़ कहाँ, वो तो उसी ने करी है जो उनका वो था ऑफिसर था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको लताड़ लगाई तो है भाई। लोकतंत्र को जानबूझकर मारा जा रहा है, चंद पूंजीपतियों के द्वारा मारा जा रहा है। गड़बड़ होगी ना बैलेट पेपर में, क्रॉस कर दिया जाएगा वोटों को। अच्छा मतलब अब डरा के मैं मोदी की हाँ भर दूं, वो डरा दिया मतलब वो मोदी ने कराया है बैलेट पेपर से, इसलिए जानबूझकर कराया कि आप ये सवाल उठा पाओ हैं, हम ईवीएम को कर रहे हैं। अरे यार सीधी बात है, जनता की सुनो ना, यही मोदी की जो गोदी मीडिया है ये मुझे एक बात बता दे, ठीक है, ये किसान जनता का काम, मीडिया का काम आपका जनता की आवाज़ रखना है या सरकार की? जनता की। तो बार बार पूरी मीडिया सरकार की पॉलिसी को अच्छा क्यों बता रही है? और मेरा उस पूरी गोदी मीडिया से सवाल है, अगर ये पॉलिसी अच्छी है तो ये बताए, गुजरात में शराबबंदी है और हरियाणा में जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ शराब लागू है, या तो शराबबंदी के फायदे गिनाए या बंद के गिनाए, चालू के गिनाए। जब जनता जो चाहेगी वही तो होगा, जनता नहीं चाहती ईवीएम से चुनाव। देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में वोटों की गिनती हुई है, तो किस तरह देखते हैं पूरे मामले को, चंडीगढ़ वाले मामले में? अरे देश की हालात देख ले, हर चीज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने लगी, सुप्रीम कोर्ट पर बर्डन कितना है। ये क्या करते हैं, अभी आपने नाम लिया कुछ नेताओं का जो बीजेपी में चले गए भारत रत्न की वजह से, इन्होंने ईवीएम को नहीं इस देश के नेताओं को भी हैक कर लिया है जानबूझकर, ये बता दिया कि तुम्हें हैक कर लिया, हम जिताएंगे। कैसे जिताएंगे? जनता तो साथ नहीं है, जनता किसके साथ होती है? नेता के साथ। अब नेता को ये पता चल गया ईवीएम किसके साथ है, मोदी के साथ, ईवीएम को हैक मोदी करता है। लेकिन मोदी ये भूल गया है इस देश की किसानों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, राजाओं ने नहीं लड़ी, इस दिल्ली की सल्तनत को यहाँ के लोगों ने, किसानों ने बचाया है। मुगलों से लड़ाई जो लड़ी थी उसमें भी 30,000 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे, 1857 की लड़ाई हुई उसमें भी अकेले पंजाब से 30,000 किसान शहीद हुए थे। यह शहादतों का दौर हमारा जारी है। अभी आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है कि किसान का ट्रैक्टर सड़क पर नहीं चल सकता, आज से 100 साल पहले ट्रैक्टर की जगह बैलगाड़ी थी, यही ऑर्डर था अंग्रेजों के राज में, इसके लिए चौधरी छोटू राम लड़े थे, तो न्यायपालिका ने तब कहा था किसान की बैलगाड़ी का एक पहिया सड़क पर चल सकता है, ये हमें हक तब मिला था। आज हम 100 साल पीछे चले गए, हमसे दोबारा हक छीन लिया गया है और वही ट्रैक्टर को रोड से आउट कर दिया, कैसे चलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दिया, तो ईवीएम को लेकर कुछ लग रहा है संभावना कि इस पे भी रोक लग सकती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? हाँ बिल्कुल लगेगी सुप्रीम कोर्ट को, कि यार चुनाव आयोग को लगानी चाहिए, अपनी निष्पक्षता बताए ना चुनाव आयोग, और नहीं लगाएगा। देखो सबसे पहले लोगों का काम है सरकार से अपना हक मांगे, अगर सरकार नहीं देती तो विपक्ष से मांगे, और जब विपक्ष भी काम नहीं करता ना, जब ये 13 महीने के किसान आंदोलन चलते हैं जनता सड़क पर आ जाती है। चुनाव आयोग तय करेगा कि चुनाव बैलेट पेपर से होना या ईवीएम से होना, आप विरोध करने से क्या फायदा आपको भाई? यही आपका माइंड सेट कर दिया, चुनाव आयोग क्यों निर्धारित करेगा, देश की जनता निर्धारित करेगी। गलत शब्दों का प्रयोग मत करो मीडिया, सरकार की उपलब्धियां मत बताओ, जनता तय करेगी हुई चुनाव आयोग, चुनाव आयोग को जनता तय करेगी, सांसद विधायक को जनता तय करेगी, इसे ही लोकतंत्र कहते हैं। जिस बात की बात आप कर रहे हो उसे राजतंत्र कहते हैं, उसे कोरियाई शासन कहते हैं कि वो अडानी अंबानी तय करेंगे। आप ईवीएम को लेकर विरोध कर रहे हैं लेकिन मेनस्ट्रीम मीडिया अखबार वाले आपकी खबर छाप नहीं रहे हैं, मत छापने दो। एक एक मीडिया वाले को देखेंगे, एक एक का नाम लिखा हुआ है। सभी दर्शकों को नमस्कार, सबसे पहले तो ये बता दूं कांग्रेस के ऑफिस में नहीं है, आंदोलन जंतर मंतर पे था, लेकिन सरकार जानबूझकर इसको कांग्रेस के ऑफिस में धकेल दिया, जंतर मंतर की परमिशन कैंसिल कर दी। और ये सभी दलों का मिलकर प्रदर्शन है, किसान जवान का मिलकर प्रदर्शन है, यहाँ पेंडिंग भर्ती के जवान भी पहुँचे हुए हैं, इस सरकार से पिछले 3 साल से अपना हक मांग रहे हैं। किसान जो है पिछले 3 साल से अपना हक मांग रहा है, 13 महीने बैठने के बाद किसान को ये कहा था हाँ 3 महीने में दे देंगे,
आज उन बातों को 3 साल हो गया है, कहाँ सोई हुई है सरकार, अपनी ही बात से मुकर रही है। सन 2014 में मोदी जी यही सपना दिखा के लाए थे भाई, C2+50% उन्होंने ही मनमोहन सिंह को दिया था, उन्होंने ही वादा किया, हमने उनको सरकार में ला के गलती कर दी क्या? इस गलती का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। पिछले 10 साल में 4 लाख से ज़्यादा किसान शहीद हो गया है, ये बच्चों की पिछले 3 साल में भर्ती ना होने से 62 बच्चे शहीद हो गए हैं, 62 परिवार यहाँ बर्बाद हो गए हैं। कल वहाँ गोली चलाई, एक 23 साल का जवान बच्चा, 2 बहनों का इकलौता भाई, वो शहीद हो गया है। भाई मोदी बाहर के लोगों को मारने के लिए आए हैं, पाकिस्तान चीन को लाल आंख दिखाने के लिए आए हैं, क्या हिंदुस्तान के नागरिकों को दिखाने के आए हैं? लेकिन मोदी सरकार ने तो रतन बांट दिए हैं किसानों को, जवानों को, अभी 5 वो दिए हैं भारत रत्न पुरस्कार, सारा समाज संतुष्ट कर दिया है मोदी सरकार ने। भाई जिसको भारत रत्न दिया स्वामीनाथन को, उसको भारत रत्न देने की बजाय उसकी रिपोर्ट लागू कर देते वो ज़्यादा खुश होता। उसने जो रिपोर्ट लिखी थी किस लिए दिया उसको भारत रत्न, बताओ किस लिए दिया, बताओ? C2+50% लिखने के लिए। अरे वो भारत रत्न दे दिया, वो उसको दे तो दो, लागू तो करो C2+50%, किसानों को उनका हक तो दे दो। क्या मांग रहा है किसान? किसान अपना हक मांग रहा है, कौन सा हक मांग रहा है? जब 2013 में 12 में ये भाव 1400 रुपये था तो मोदी जी उठकर दिल्ली आए थे कि मैं 2 गुना भाव दूंगा और 2 गुना हक है, आज कहाँ गया? 300 रुपये का सिलेंडर अपने कॉरपोरेट दोस्तों का उन्होंने 1000 रुपये का बिकवा दिया, वो किचन में नहीं लगता, उससे रसोई का बजट नहीं बढ़ा। तो किसानों की आय भी तो बढ़ रही है ना, वो कह रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया है मोदी सरकार ने। कोई आंकड़ा नहीं है, 80 करोड़ को कहाँ से अनाज बांट रहा है? इस देश की जनसंख्या 150 करोड़ है, 250 करोड़ है, टोटल करें तो फालतू हो जाएगी ऐसे तो। 80 करोड़ को आज गरीबी में अनाज बांट रहा है, 25 करोड़ को उसने अभी बाहर निकाला है, तो मतलब 80 और 25 105, 100 करोड़ से ज़्यादा गरीब थे क्या? वो आंकड़े भूल गया क्या? उसी के इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े निकाल ले, 1 लाख से ज़्यादा किसान शहीद हुआ है। उसकी गारंटी चल रही है ऐसा कहा जाता है मोदी, हो तो मुमकिन है, बड़े बड़े नारे लगाए जा रहे हैं। सुबह झूठ बोलता है और शाम तक झूठ बोलता है, जिसको आता ही झूठ बोलना है वो झूठ ही बोलेगा, जिसको जो काम करना आता वही करेगा। कुनबा बड़ा होता जा रहा है, आपके किसान नेता के पोते भी चले गए हैं अब तो बीजेपी में। कौन? जयंत चौधरी। किस लिए गए, किस लिए गए मैं बताता हूँ। नहीं, EVM मुद्दे पे आओ घूम के। अब रविश कुमार जी NDTV छोड़ के गए हैं, वो ये ना सोचे कि सच्चाई हार गई है, सच्चाई जीत गई है। अगली सरकार आएगी, कुछ दूसरी आएगी, देश में सच्चाई लौट कर आएगी, इसी NDTV के मालिक रविश कुमार होंगे। और जो ये मीडिया वाले बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके AC बंगले में सो रहे हैं ना, जो पैसे खाकर ठीक है देश को आज गलत कर रहे हैं, इनसे एक एक से हिसाब लेगी देश की। चौधरी कह रहे हैं कि यदि MSP दे दी गई और कर्ज माफ कर दिया गया किसानों का तो देश पे कर्ज हो जाएगा, उसकी रिपोर्ट आई है DNA में। क्यों हो जाएगा देश पे कर्ज? देश पे कर्ज क्यों हो जाएगा? मोदी एक एक स्कीम लॉन्च करते हैं, गलत स्कीम लॉन्च करते हैं और फिर कहते हैं भरोसा करो। नोट विष्णु विष्णु बताया जा रहा है अखबारों में उनको, मोदी को। कौन था विष्णु? मैंने तो देखा नहीं विष्णु, विष्णु कौन था? रामलला को ले आए हैं भाई, ये झूठ का ड्रामा है। इनके तो सावरकर बुलबुल पे बैठ के चल जाते थे, तू बैठ ले ना बुलबुल पे, हम बहस पे भी ना बैठते। 500 साल का अंजाम खत्म किया मोदी सरकार ने। जी जी जी, 500 साल का अंजाम खत्म कर दिया, मंदिर बन गया। अरे मंदिर नहीं, हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ठीक है। और आपने पूछा, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त।